नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का पहली बातें चैनल पर स्वागत है और मैं आरडी आप लोगों को आज एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज यानी आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को आप लोगों के सामने बैठाने वाला हूँ और उन सब का सवाल उनसे पूछने वाला हूँ जिन्होंने मुझे बोला है कि पूछो। यानी जनता जवाब चाहती है मोदी जी से, क्योंकि 6 साल बीत गए हैं और 6 बार भी कॉन्फ्रेंस नहीं किया ऐसा जिसमें मोदी जी खुद जवाब दे। और दोस्तों सबसे खास बात, आज मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बिना अमित शाह के बुलाया है, यानी आज का जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी देंगे। चलो सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों एक मिनट, मोदी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार ना आप सबको नमस्कार बोल दो मेरे देशवासियों को, क्योंकि मेरे देशवासी जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आप एक बार नमस्कार बोल दीजिए। हैं सभी देशवासियों को आदर पूर्वक नमस्कार। अरे भाई भाई, आपने बोल दिया आप नमस्कार देशवासियों, देखो कैसे सब्सक्राइबर मेरे ना ऐसे ऐसे बढ़ने लगेंगे। काय को, क्योंकि आपने बोल दिया ना, आप बोलते हैं तो सब कुछ होने लगता है। चलो दोस्तों, और मैं बात करूंगा लेटेस्ट मुद्दे पर। उस दिन आपने बहुत बढ़िया स्पीच दिया, राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन युवा पीढ़ी बोलती है कि 10 मिनट के भाषण को 35 मिनट काय को लेके गए, अभी तो चुनाव का भी माहौल नहीं था। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, जवाब दीजिए। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। अरे अरे मोदी जी, जाने दिए, मैं समझ गया आप कहना क्या चाहते हो, देशवासी भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि कोरोना से 4 महीने हो गए हमको लड़ते हुए आप बोल रहे हैं, तो मेरे को एक बात बताइए, अब इससे बचने के कितने चांसेस है, क्या लगता है इस कोरोना को कैसे खत्म किया जा सकता है? कि इसका मार्ग एक ही है। हाँ, एक ही मार्ग बताइए, हम करने के लिए तैयार है गुरुजी, आप बताइए बस, हम करेंगे मोदी जी, करेंगे, बताइए। आत्मनिर्भर भारत। बात जरा सा ना सर के ऊपर चले गया मोदी जी, आप थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहेंगे लेकिन कम टाइम में। एषः पन्थः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बता। बस मोदी जी, विस्तार मतलब इतना भी नहीं होता है कि आप विस्तार करने लगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए मोदी जी, कि ये जो लोग हैं जो आपसे नफरत करते हैं, उन पर आपकी बातों का कुछ असर होगा? क्योंकि वो तो आज ऐसे हो गए कि आप अगर उनको बताएंगे उनके सही पिताजी कौन है तो भी वो बोलेंगे मोदी जी ने बता दिया, तो मेरे पिताजी नहीं है। तो ऐसे लोगों पर असर होगा? जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। कैसे पड़ेगा फर्क इन पर? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। ठीक है मोदी जी, लेकिन एक सवाल जो बहुत ज्यादा लाजमी है पूछना, क्योंकि जितने अपोजिशन पार्टी है वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये जो पीएम केयर फंड में इतने सारे पैसे आए हैं, वो पैसे आप कहाँ खर्च करोगे और कैसे खर्च करोगे और कितना खर्च करोगे, अगर आप थोड़ा सा बता दे तो देशवासी जानना चाहते हैं। 20 लाख करोड़ रुपये का है। अरे मोदी जी, सपने दिखाना शुरू कर दिया आपने। 20 लाख करोड़, एक बात बताइए, 15 लाख अकाउंट में लोगों को आया नहीं, देश की आबादी है 135 करोड़ की, 133 करोड़ की आप बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि जितने देशवासी हैं 135 करोड़,
तो आप 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा था 135 करोड़ लोग हैं, तो अगर एक एक करोड़ देते तो 135 करोड़ ही आपके खर्च होते और लोग आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। ऐसे में आप कुछ कहना चाहेंगे? 20 लाख करोड़ रुपये का है। अरे नहीं नहीं मोदी जी, मेरा सवाल था कि मतलब ऐसे में कहना चाहेंगे मतलब आम जनता को कितना मिलेगा, आम जनता के लिए क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। 20 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, मतलब उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्या बात है मोदी जी, हैट्स ऑफ आपको मोदी जी, आप सच में बहुत अच्छे वाले नेता है। आप जब प्रधानमंत्री बनने आए थे ना, आपके अंदर रौब अलग था। आज थोड़ा सा थक चुके हैं मोदी जी, ज्यादा काम करते हो ना, 24 घंटा काम करते हो, सुना है सोते भी कम हो, है ना, बहुत अच्छा काम करते हो, शायद उसके लिए आप थक गए हो। तो लेकिन मोदी जी, ऐसे हालात में मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, देश को कैसा बनना चाहिए? नई ऊंचाई देनी है, कृषि पर कम से कम असर हो। अच्छा जाने दीजिए मोदी जी, मैं समझ गया कि लोगों को आज क्या करना चाहिए। लेकिन मोदी जी एक बात बताइए कि आपने देखा होगा कि कैरी मिनाटी ने कैसे गाली वाली दे दिया है टिकटॉकर्स को, तो आपको क्या लगता है ऐसे में टिकटॉकर्स को आप सपोर्ट करेंगे या यूट्यूबर्स को? आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। बहुत अच्छा मोदी जी, लेकिन एक बात है कि आपके पास सब सलूशन होता है, नहीं बोलना ही तो है, है? लॉकडाउन का नाम क्या होगा? लॉकडाउन 4। एक और सवाल आपसे मोदी जी पूछना चाहता हूं, आप जो ये सारी बातें कह रहे हैं, क्या ये बात सुनकर सब बहक जाएंगे, मतलब कुछ सीखेंगे? मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, और मोदी जी देखिए, ऐसा है कि हर बार कहा जाता है कि अच्छे काम करने वाले को सब रोकते हैं, तो मोदी जी क्या आपको भी कुछ लोग रोकेंगे या कुछ रोकने की कोशिश करेंगे, तो आप कुछ करोगे? कौन रोक सकता है? एक बात बताइए, वो मैंने सुना है कि आपने वो नाना पाटेकर का एक डायलॉग था कि एक मच्छर एक इंसान को हिजड़ा बना देता है, उसको आपने अपडेट किया है कुछ, तो आपने कोरोना वायरस को उसको ला के कैसा एकदम बोला हुआ है ढिंचैक पूजा की तरह, जरा एक बार देशवासियों को बता दीजिए ना। एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है, विश्व भर। बस मोदी जी, हो गया, डायलॉग खत्म, छोटा डायलॉग एक लाइन का होता है, एक लाइन बोलने का, खत्म कर देने। अच्छा, ठीक है मोदी जी, आप जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आपका, आप काम करने का समय हो गया है, और देश की जनता जान चुकी है कि उन्हें करना क्या है, उन्हें आत्मनिर्भर बनना है। वैसे मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, एक बार फिर से देश को कुछ अगर आप कह देते तो जानना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, ठीक है मोदी जी, धन्यवाद। लेकिन मोदी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट था कि थोड़ा सा लोगों से रिक्वेस्ट करना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लाल बटन है वो दबाए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, ताकि थोड़ा चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़े और लोगों तक आपके कहे गए बात पहुंचे, है? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी, पहली बातें चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।